थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दिया तो बस भाई सीधी नीचे गिरेगी। और सारे यार ट्रकों वाले वाली बात होगी, उधर भी ट्रकों वाले, इधर भी ट्रक। रेड लाइट में ये मेरे पीछे आप इतनी दुनिया देख रहे हो ना, ये किला वाला कलर करना ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कमांड करूंगा बन, ठीक है? आ स्टार मेरा, ओके मैं क्या करूं? तू वाला स्टार कर दे। ओ आ गई, ओए आप लोगों ने नोटिस किया इसके दो टायर डालने वाले घिसे हुए थे। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कॉर्नर पे ही घर है, जे साथ में बिल्कुल ट्रेन की ट्रैक्स हैं और उसमें हर 5 मिनट के बाद में पैसेंजर ट्रेन आती है, ट्रैम से मेरे को याद है भाई, ट्रैम में सफ़र करने का बड़ा दिल कर रहा है। बीच में से मालगाड़ी भी निकलती है, बड़ा मज़ा आता है भाई, क्योंकि मेरे घर से तो ट्रेन दूर होती है। अभी बस पैसेंजर ट्रेन आने ही वाली है बस। यो एडिलेड शहर है वो विनीपेग से बड़ा है और कैलगरी के साई का होगा, क्योंकि कैलगरी से भी मेरे को रात को बड़ा लगा। जो कल आपने पॉइंट देखे वीडियो में, वो कल वाली वीडियो में पूरा एडिलेड जो है वो एक पहाड़ी से बिखरा पड़ा हुआ है बहुत दूर दूर तक। हम रह रहे हैं अभी नॉर्थ वाली साइड में। शहर में डाउनटाउन की बिल्डिंगें कितनी है हमको उसे मालूम पड़ जाता है कि शहर कितना बड़ा होगा। मैं आपको ये नहीं बोलता कि पक्का मेरे को देखो, मैं कौन सा दूसरा हूँ, लेकिन अगर आपका दिल है कि आप मेरे से मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यार ऐसा करो, इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। जब भी मेलबॉर्न या सिडनी आएंगे इंस्टाग्राम के स्टोरी के ऊपर सबसे पहले मालूम पड़ जाएगी हम मेलबॉर्न और सिडनी में कहाँ रुके हुए हैं। ये जहाज आपको दिखेगा नहीं, जहाज बहुत छोटा दिखाई देगा ये वाला, लेकिन इन्हीं जहाजों के चक्कर में हमारी ड्रोन नहीं उड़ रही यहाँ से। मैंने इनको बोला है कि 2-4 दिनों के लिए अपना एयरपोर्ट ही मूव कर लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना वो लर्निंग वाला एयरपोर्ट है जहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं जहाज उड़ाना बढ़ाना, तो यहाँ पे तो ड्रोन उड़ाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तो पहले सीखने वाले हैं। ऐसा ना हो मैंने ड्रोन उड़ाई हुई है वहाँ पे टक्कर वक्कर हो जाए और मेरी गर्दन पकड़ी हो इन्होंने कि भाई तू कनाडा से आके हमारे जहाजों में ड्रोन टक्करें मार रहा है। वो देखो गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है, मिलो इस बंदे से, ये एडिलेड का बछंदा है। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਤੂੰ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਚੀਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਜੈਸ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਜਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਉਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਡੀ? ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਾਰਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਿਖਰਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਅਭੀ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਭਾਈ, ਬਤਾਨੇ ਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ। ਯੇ ਭਾਈ ਰਿਤਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਸੋਡੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਰਹਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਘੂਮ ਰਹਾ ਥਾ 2-3 ਦਿਨ ਸੇ, ਅਭੀ ਸੋਡੀ ਕੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਘੂਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਕਾਮ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਸੋਡੀ ਕੋ ਮਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, मैं अपने दोस्त है जो भाई है और 19 साल के बाद में मिले हम, 19 साल के बाद में मैं अपने दोस्त को मिला। अभी मैंने इसको टैची में डाल के ले जाना साथ में छोटी के पास, 12 साल के बाद में मिलवाने वाला बंदा कौन था? आपका भाई। मौसम तो इंडिया जैसा ही है, वो मैंने 2-3 दिन से देख लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, धूप सीधी पड़ती, जैसे कनाडा में भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन कनाडा में कैंसर की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सूरज है वो सीधा अगर आपके स्किन के ऊपर आ रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। यहाँ पे एक ना बस चलती है, वो बस का ऐसा सिस्टम है कि वो बस अपने आप ही वो रेलवे ट्रैक जैसा सिस्टम बना हुआ है, ट्रैक के ऊपर चढ़ जाती है और ड्राइवर उसको कुछ नहीं करता, फ्री होके बैठ जाता है। अनोखी चीज़ है, दुनिया में 2 ही जगह में चलती है, एक यहाँ पे, एक कहीं और चलती है, वो मैं गूगल बाबा जी से पूछ के आपको बताता हूँ। इतनी सारी जो कारें लगी हुई ना भाई, ये कोई घूमने घामने के लिए नहीं गए, यहाँ पे लगा के बसों में आगे जॉब के लिए गए हुए हैं, क्योंकि अंदर पार्किंग की प्रॉब्लम होगी ना डाउनटाउन में, यहाँ पे भी पेड पार्किंग होती है, पैसे ज्यादा होते होंगे ना। ये वही बस का ट्रैक है, यहाँ से चलेगी रोड पे, फिर आगे टनल में जाके ये रेल लाइन पे हो जाएगी। दुनिया में एकमात्र ऐसी बस है, अभी मैं आपको पूरी स्टोरी अंदर जाके बताता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हो चुका हूँ और मेरे को संभालो अभी बस। 541 है ये, 541 यहाँ पे बस आएगी भाई, ये उसका मैप लगा हुआ है और ये उसका स्टेशन है सामने, क्लेमजिंग इंटरचेंज। अंदर एक येलो कलर की मशीन लगी हुई है, अंदर टैप एंड गो है बस। कितना चार्ज होता है वन टाइम पर? $250 ऐसी बस होगी ऐसी? ये दुनिया में इकलौती ऐसी बस है जो सिर्फ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में ही चलती है और कहीं नहीं चलती पूरी दुनिया में, इसको बोलते हैं ओ वाहन। ओ का मतलब हो गया जर्मनी में एक वर्ड है बस,
और बाहर का मतलब है रास्ता। हमारी बस अभी आ नहीं रही तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, इमरजेंसी खंबे के पास में खड़े होकर बात करते हैं। वो वाहन एक दुनिया में दो ही बनाई थी ऐसी बसें जो रोड के ऊपर भी चलती हैं और रेलवे ट्रैक के ऊपर भी चलती हैं। एक्साइटेड होगी कैसे ये पॉसिबल है। अभी ये देखो ये रोड है नीचे, यहाँ पे बस आगे रुकती है, थोड़ी आगे जाके यही जो बस है वो अपने आप ट्रैक पे चढ़ जाएगी और ड्राइवर बोलते हैं कुछ नहीं करता बाद में, ड्राइवर ऐसे मतलब सो भी जाता है बीच बीच में। और चीज़ बड़ी मतलब की बढ़िया है कि पूरे शहर के अंदर अंदर ट्रैम फ्री, लेकिन बसों वालों के पास में पैसा कम है, उन्होंने फ्री नहीं किया कहीं पे भी। अभी हम यहाँ पे खड़े होके सिर्फ वीडियो के चक्कर में बस वाले की उड़ीक कर रहे हैं, बस वाला आएगा और हमको दिखाएगा कि वो यहाँ से कैसे अपनी सस्पेंशन अप करता है, पीछे से कैसे ट्रैक के ऊपर आ रहा है। अगर बाई चांस वो भूल गया ना भाई, आगे गड्ढा भी है, बस ऐसे नीचे गिरेगी, उसको यहाँ पे उठानी पड़ेगी। बस उठानी क्या है, वो सस्पेंशन नीचे करते हैं तो वो जो टायरों के ना जो बाहर वाले रिम होते हैं, आप गौर से देखना, वो रिम जो है वो लग जाते हैं जहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं टायर के, उसके आप बाहर ना वो रेलवे वाले जो पहिए होते हैं उसके ट्रैक से बने होते हैं, ऐसा वाला पहिया बनाया हुआ जो रेल का होता है। अभी ये आई, एडिलेड वालों ने बोलना है कौन सा बंदा जो कैमरा लेके घूम रहा है ट्रैकों के बीच, लेकिन क्या करें भाई, ये हमारे अंदर की जो कीड़े होते हैं ना ये मरते नहीं जब तक हमको पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ जाता। ये और बस आ रही है, ये देखो ये भी चल रही है। कितना यार कुदरत का करिश्मा ही है, हमारे को समझ नहीं आ रही। यहाँ से देखो पीछे, अगर पीछे तो रोड ही नहीं है, पीछे तो सिर्फ वो ट्रैक ही ट्रैक है ये चार बने हुए हैं, और कैसे बस जाती है स्मूथली उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये देखो अभी एक और आ रही है, ये देखो कुछ समझ आ रहा है, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। मीन्स कि उन्होंने एक टायर सेफ रखा हुआ है कि अगर बाई चांस अगर वो सिस्टम नहीं काम करता तो ऐसे ना बस नीचे गिर जाए ना, वो इसलिए वो पक्का वाला ट्रैक है सीमेंट का, ड्राइवर के हाथों के ऊपर रखेंगे निगाह की कुछ करता है कि अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। ये ट्रैकों के ऊपर नहीं चल रही तो जो आगे जगह ही नहीं है, नीचे गहराई बनी हुई है, वहां पे जाके बस गिर जाएगी भाई, क्योंकि टायर के नीचे तो जगह ही नहीं है। ये बस मैंने मंगवाई है अभी भाई 502 नंबर, ये भी चल जाए भी अच्छी। थैंक यू, पहली बार सफर कर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ा कहाँ पे टैप करना है। अभी वो देखो ड्राइवर उसको कर रहा है सेटिंग, थोड़ा बहुत अभी इधर उधर कर दिया तो बस भाई सीधी नीचे गिरेगी, संभालना पड़ता है इसको पूरा। 80 की स्पीड लिख रही भाई, 80 की स्पीड के ऊपर भगा के लेके जा रहे थे, तो ध्यान ना लगती है ना साथ में। जो अभी आपने ट्रैक देखे ना, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो हर साल चार कारें ऐसी होती हैं जो ऐसे वाले ट्रैकों में घुस जाती है गलती से एवरेज, और उसको क्रेन से निकालना पड़ता है क्योंकि कार जो है ना बीच में फंस जाती है जाके। अभी कल ही एडिलेड में एक कार ऐसी है जो नीचे गिरी है, उसको क्रेन से निकाला है, बाद में पूरा रूट बंद हो जाता है ट्रेन का। ये देखो भाई यहाँ पे नो एंट्री, हम आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन टनल के अंदर से बस निकली नहीं, चल तो ये यहाँ पे रोड पे रही है, यहाँ पे ट्रैकों के ऊपर नहीं चलती। और जो हमने अभी कार टैप किया वो $2.5 का होता है, और एक बार आपने टैप कर लिया 3 घंटे तक आप पूरे एडिलेड में कहीं भी इसके साथ में सफर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उतना तो मेरे को पीछे वाले स्टेशन पे था लेकिन मैं उतर गया आगे वाले पे, वो मैंने मिस ही कर दिया। ट्रैकों के ऊपर अपने आप ही चढ़ जाती है, ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं होता, फिर अपने आप ही ये नीचे हो जाती है, ट्रैकों के ऊपर चलना शुरू कर देती है। ट्रैक उस साइड में नहीं होते बस के उस साइड में। ये यहाँ पे हो रही है लोडिंग व्हीलचेयर वालों की। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया भाई, तो ये लो अपनी राइड आ गई। कैसा रहा पाजी? ओहो आपने मेरे को पूछना है, मैंने आपको पूछ लिया। एक्सपीरियंस बढ़िया था पाजी, ड्राइवर परेशान हो गया मेरे से, ड्राइवर बोलता है भाई मेरी वीडियो मत बना। हार के ड्राइवर ने बोल ही दिया भाई तू बार बार कैमरा मेरी तरफ लेके क्यों आ रहा है, लेकिन हालांकि ड्राइवर का मुंह उस तरफ था तो उसकी वीडियो नहीं पड़ रही थी, लेकिन चलो कोई चक्कर नहीं, हर कोई बंदा बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे। कुछ खा लें पाजी, पहले भूख लगी हुई ना। चल गोरियों का खाना, देसी खाना। गोरियों वाला खाना है तो अच्छा होता, लेकिन उसमें मिलने टमाटो ही है, पोटैटो बोल दिया भाई, आलू ही मिलने। मैडम अपना स्टॉप ही मिस कर गए पाजी, वो पीछे रुकना था ना, उसने बस नहीं रोकी वहाँ पे। बस में पोल लगा होता है, पोल के ऊपर बटन होता है, उसको दबाना पड़ता है। मैंने जिंदगी में एक बार सफर किया जब मनदीप को लेके गया था, मैंने मनदीप को बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मैं बोला चल तेरे को मैं छोड़ के आता हूँ पहले दिन बस में, तेरे को रूट राउंड मालूम पड़ जाएंगे। एक घंटे के डेढ़ घंटे के बाद में ना मेरी मुंह की तरफ देख के बोल रही कि आपने कभी बस में सफर किया? मैंने बोला नहीं। पता क्यों पूछ रही थी? क्योंकि हम भूल चुके थे और हमको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा बस के लिए।
यहाँ पे सर्विस ऐसे होता है जो कनाडा सर्विस कनाडा का ऑफिस होता है ना, यहाँ पे अपने सिन सुन बनते हैं, ऐसा यहाँ पे सर्विस ऐसे होता है। सर्विस ऐसे मीन्स की सर्विस साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ये कोल्स के अंदर आ चुके हैं। कोल्स मीन्स की कोला होता है भाजी, फिर कोला कला मिलता है यहाँ पे? नहीं, ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पर बहुत बड़ा कोल्स। और हम आए यहाँ पे कुछ खाने के लिए। जैसे ही हम खाने वाली दुकान के अंदर बैठे तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, तीनों ड्राइवर ये इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि ड्राइवर को पहचान लेता है। ये तीनों पर्त को चलते हैं भाई, लस्सी लुस्सी पी के रेडी हो रहे हैं, अभी जाएंगे फिर काम पे। सैटरडे मॉर्निंग वीकेंड निकलना पैदा होना, 10 दिन ऑफ होती है, 3 दिन ऑफ होती है भाई कनाडा वालों, हमको भी 3 दिन ऑफ चाहिए, 3 दिन ऑफ करते हैं। ये पाजी की शॉप है नान तंदूरी वाले, जी आया देखो लिखा हुआ है। ये तो अभी खाने के बाद में मालूम पड़ेगा ना, अच्छा होगा तो बता देंगे, नहीं तो सारा काट देना मैंने। तो भाई और आगे बैठ के देखो, ये भी अपने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब से, और सारे यार ट्रकों वाले वाली बात होगी, उधर भी ट्रकों वाले इधर भी ट्रकों वाले। ये भाई टैक्सी वाला है, काम कर स्लो है भाई, बहुत स्लो है। लो जी आ गया गोभी वाला पराठा, बटर आ गया भाई मांगने पे, मैंने मंगाया गोभी वाला, भाई ने मंगाया मिक्स। ठीक है भाई, 70-80% तक मैच करता है, 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ अमृतसर में मिलता है। किसी को चेक करना होता है ना तो गूगल में डाल के आप उसका नाम चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अमृतसरी कुलचा डाला एडिलेड में, तो ये तीन ऑप्शन आई हैं, तीनों में से सबसे ऑप्शन इनकी ऊपर है, और इनका जो रेटिंग पॉइंट है वो 4.6 है, बाकियों का थोड़ा कम है भाई। ओ, वोडाफोन देखो कितनी तरक्की कर ली भाई, वोडाफोन ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ये कॉमनवेल्थ बैंक है, ये मतलब वन ऑफ द फेमस बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, और ये इनका एटीएम लगा हुआ है, अभी हम निकालेंगे एटीएम से ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कहीं भी किसी भी कंट्री में कभी भी आप जा रहे हो ना, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि कभी भी करेंसी एक्सचेंज करा के ना जाओ, आपके पास में जो नॉर्मल डेबिट कार्ड होता है ना, उस कंट्री में उतर के उस कंट्री के किसी भी एटीएम से पैसे निकलवाओ, आपको हमेशा रेट जो है दुकान से ज़्यादा मिलेगा, एटीएम से डायरेक्ट निकालो। $7 चार्ज करेंगे, बोलते हैं $7 ऑस्ट्रेलियन, ऐसे गिनती हो रही, नीचे आवाज आ रही है, ऑस्ट्रेलियन 2-3-4 एक 50 लिखा हुआ ना, ये कैसा भाजी? 5 वो पुराना नोट है, 453 भाई, $453 लगे। अभी जो आपने दरख्त देखे पहले उसकी बात कर लेते हैं, ये दुबई वाला माहौल बनाया हुआ है इन्होंने देखा, लेकिन यहाँ पे दुबई वाला वेदर वुदर है नहीं, ये पूरा पंजाब वाला वेदर है। रैली तो मैंने 100 बार दिखा दी, लेकिन एक चीज बाइक की गाड़ी में इंपॉर्टेंट लगी हुई है, जैसे मैं अपने मन में सोचता हूँ कि ये बॉक्स में क्या होगा, उसी टाइम बॉक्स अपने आप खुल के मेरी टांगों के ऊपर गिर जाता है। ये देखो अभी मैं फिर उसको बंद कर रहा हूँ, जब फिर मेरे दिमाग में कहीं आ गया ये अपने आप खुलेगा। कौन सी स्ट्रीट है ये वाली? जैपकॉट स्ट्रीट है भाई। भाई यहाँ पे कहीं पार्क कर, मेरे पीछे का माहौल देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम चंडीगढ़ में खड़े किसी सेक्टर में? भाई मेरे को बड़ी फील आ रही है ये वाली सीट को देखे, यहाँ पे तो एक दो फोटो भी खींच के लेके जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको मैं चंडीगढ़ का नाम पता क्यों ले रहा हूँ यार, एक दो मक्खियाँ बड़ी खाती है, एक दो मक्खियाँ हैं ऐसी हैं जो आपके मुँह में आके मतलब कि पास पास ऐसे बैठी जाएंगी, कहीं खून ही बहुत मीठा है, मीठे बंदे हम। चंडीगढ़ की बात हो रही है ना, ये वाला जो मेरे पीछे माहौल है, एडिलेड का आर्किटेक्ट था जो लेक कुर्बुसर करके, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और जो चंडीगढ़ सिटी है उसका आर्किटेक्ट सेम था। कितना बड़ा मतलब की इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अभी अभी मेरे को अंदरूनी सूत्रों ने बताया, तो डिटो फीलिंग चंडीगढ़ वाली आ रही है चंडीगढ़। ओ गल सुन, हेलो बात सुनो हेलो भज गए यार। ओ वेस्पा स्कूटर, वेस्पा, वाह, भाई ने जब दिए ना ऐसे ऐसे वाले गियर। एडिलेड शहर का दौरा करते हुए आपका भाई और कैमरामैन ऋत्विक भाई के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, यूनी ऐसे भाई, आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे 360 की जरूरत है, मेरे को लग रहा है लेकिन मैं लेके नहीं आया, वो बड़े वाले बैग में पड़ा हुआ है। राइट ये ट्रैम है भाई, एडिलेड शहर की ट्रैम आ गई, और देखो ऊपर लाइट से चल रही है। हेलो भाई, इतना मैच आ रहा है, आज उसने लेके नहीं जाना इस ट्रैम में भाई, टैप करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है, 2 किलोमीटर के एरिया में कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, जितना मर्जी सफर करो, मैं शाम तक इसी में सफर करो, शाम तक घूमते रहो, कोई पैसा नहीं खर्च। ऐसा नहीं कि इसमें ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर होता है इसमें, लेकिन इसमें स्क्रीनें लगी हुई हैं, आपको देख के उतरना पड़ेगा। अभी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने स्टेशन के ऊपर, अभी पता करता है ड्राइवर उधर से आएगा और उस वाली सीट पे बैठ जाएगा, पहले हमारा मुंह इस तरफ था, या रिवर्स भी जा सकता है, अगर गलती से कहीं ड्राइवर को याद भूल गया फिर
उल्टी चला देगा। मजा बड़ा आ रहा है भाई ट्रेनों ट्रोनों में सफर करके। मिनी बैग में तो आपको मालूम है ये वाली ट्रेन नहीं चलती भाई। ट्रैम ट्रैम हुई बड़ी है भाई, ट्रैम ट्रैम हुई बड़ी है। देखो यहाँ पे देखो भाई, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये भाई साहब खड़े हैं, तीन वो गई। यहाँ पे ये मालूम करना मुश्किल है कि अभी जाएगी किस तरफ, दोनों तरफ एक जैसा मुंह ही है। अब उतना ही कार ना बना लेने हैं, कार पे चल रहा हूँ, कार पार करके रेड लाइट में। ये वाली देखो बिल्डिंग 1847 की बनी हुई है वाली बिल्डिंग। यहाँ पे भी बंदे रेड में भी चले जाते हैं भाई, बच्चे हैं ना, इनको मालूम नहीं कि रूल क्या है। पुलिस वाला गर्दन से पकड़ेगा, 100-200 का काट के देगा हाथ में चलान, तो फिर भाई फिर मानेंगे ये। अच्छा आपका 65 आता है बिल, और $100 फोन का। हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट में फोन है, कॉन्ट्रैक्ट में तो $165 हो गए, लेकिन उसमें सिर्फ 60 GB मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा। और टेस्ट्रा जो है इनकी सबसे फेमस है यहाँ, उनका 85 तक जाता है। कोई प्रीपेड सिम यहाँ से ले ली, वैसे यहाँ पे ना एक महीने के लिए या किसी थोड़े टाइम के लिए आप प्रीपेड भी ले सकते हो, जितना पैसा डालोगे उतना काम हो जाएगा। जब मैंने रॉजर्स को पूछा, मेरे पास जो मोबाइल है, वो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे भी सेम कॉलिंग टेक्स्ट और डाटा उतना ही रहेगा आपका, बस आपको $15 पर डे के देने। तो जैसे मैंने अभी 5-7-10 दिन रुकना होगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे ही रखूँगा। एक तगड़ी चीज़ दिखाते हैं आपको, जो यहाँ पे ट्रैम है ना, कारों वाले ट्रैक के ऊपर ही चलती है। ये देखो ये ट्रैम जा रही है ना, ये ट्रैम है ना, इसी पटरी के ऊपर अभी कार आएगी, पीछे से देखना कार आने वाली है। बुलाया नहीं कारों को आपने? ओहो आ गई, वेट करो। वो सारी कारें उधर ही जा रही हैं राइट साइड। अभी तो वीडियो में बोल भी दिया, अभी तो जुबान दे दी वीडियो वालों को। वो आ गई, ओ शुक्र है भाई, एक बंदे ने बात सुनी है हमारी। देखो उसी ट्रैक के ऊपर आ रही है, उसी ट्रैक के, ये ट्रैम के ट्रैक है और ये कार आ रही है पीछे। 10 किलोमीटर की राइड लेके ना, सिर्फ आपको ये चीज दिखाने के लिए लेके आया, क्योंकि मेरे को खुद भी देखनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी देख सुन के। ये देखो ये दो ट्रैक हैं, ये दो ट्रैक हैं, और उसी पे कारें आ रही हैं। ये देखो कई मेरे जैसे बंदे भी होते होंगे जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि भाई आराम से ट्रेन जा रही है आगे। ये मेरे पीछे आप इतनी दुनिया देख रहे हो ना, ये एडिलेड की रंडल स्ट्रीट है, यहाँ पे वॉकिंग ही जा सकते हैं, कारें नहीं आती। एक ही टाइम में देखो हजारों बंदे क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, ऐसा सारी दुनिया ऐसे क्रॉस होती है, वहाँ से सीधा ऐसे क्रॉस होती है, लेकिन वो सामने एरो लगी हुई ना तीन, तो आप तिकोना भी जा सकते हो, तिरछा जिसको बोलते हैं, जैसे हम पीछे से आए ना ऐसे तिरछा आए, सारी दुनिया सीधा सीधा जा रही है। ये देखो सामने तीन तीर लगे हुए हैं कि आप तीनों तरफ जा सकते हो। सारी ज़्यादातर लोग ऐसे ही जाते हैं ना, वहाँ से ऐसा जाएंगे, लेकिन हम ऐसा भी आ सकते हैं यहाँ से। कुछ चीज़ें टोटली मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं तो कभी पहले ऐसा सिस्टम नहीं देखा। और अभी ये वाली स्ट्रीट के ऊपर, रंडल स्ट्रीट के ऊपर ना कोई कार आती है ना कुछ आता है, सिर्फ आप वॉक करके ही जा सकते हो, वॉक करके ही आ सकते हो। और जब भी इंटरसेक्शन के ऊपर इशारा बंद हो रहा है ना, इशारे के बाद जब प्रदर्शन वाला इशारा खुलता है, तो तकरीबन एक बार में 100 के करीब बंदा क्रॉस कर रहा है दोनों रोड को, 50 उधर से 50 उधर से। राय नहीं हमने किसी को भी करना, बटन मॉल के अंदर हमने वॉशरूम कर लिया है, लेना कुछ नहीं है हमने। देख लो जोर बोल लगना, ये हो जूगा, देख लो हो जूगा। आलू वाले परौठे नहीं खाए आज। थक गया भाई, पूरे 3 मिनट की टाइम लैप्स है, कैसी लगी? लाइक आप बहुत कम कर रहे हो यार, लाइक तो करो वीडियो को। मैंने बड़ा अपना पेट दबाया अंदर जब टाइम आई थी ना, मतलब मेरा पेट बाहर जाएगा ना तो बड़ा बुरा लगेगा सिस्टम। और शर्म आ रही थी, आसपास वाले लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि कैमरा सामने लगा हुआ है, बंदा हिल नहीं रहा, बंदे को क्या हो गया, बंदा मेडिटेशन कर रहा है भाई एडिलेड में। खड़े खड़े मेडिटेशन हो रही है। अभी हमारा दिन जो है ना वो सफल हो गया भाई, यहाँ पे दर्शन करके, अंदर दर्शन करके, घरों में ही बना हुआ है। ये देखो पूरे घर हैं आसपास में मेरे, इधर भी और बिल्डिंग बीचों बीच बनी हुई है। और चाय पकौड़ों का लंगर तो मैंने वीडियो में लेके ही नहीं आया, लेकिन हम शक के आए भाई चाय पकौड़ों का लंगर। अभी अपनी भूख भी मिट गई, क्योंकि यहाँ पे आके तो हर एक बंदे की भूख मिट जाती है, हम कौन सी चीज़ है। आऊगा कि नहीं आऊगा? आएगा भाई, सोच रहा है, जगह तो बहुत है यार, जगह तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इतना मेरे को समझ आ गया भाई ये B डबल है
और कन्वर्स का ट्रक डाला हुआ है इसके आगे, ये देखो ट्रकों वाले हिस्सों में आ चुके हैं भाई, अभी ट्रकों वाली फॉर्म आ गई अपने अंदर। ठीक है भाजी, मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, चलो मिलते हैं, आपको फिर तंग करेंगे। ये तीसरा मॉडल है उनका, ये ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, वो कनाडा मॉडल है ना, जो बड़े बड़े वालों वाला हमारे घर में आता है कभी कभी। अभी का बात कर रहा हूँ, आने से पहले वीडियो में था, ये उसका बड़ा भाई है, बड़ा, इनके समय नहीं लगती, तीनों एक जैसे देखते हैं, ये भी एडिलेड में रहता है। जैसे हर एक शहर में एक पंजाबी प्लाजा नहीं बना होता, वहाँ पे आए भाई, ये सारे पंजाबी दुकान वालों का देखो नाम लिखे हुए, ये देखो गोलगप्पे रह गए थे वो भी टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो को मैंने बीच में रोका हुआ है भाई, जब ये वीडियो आपके पास में है कि हम लोग हो गए मेलबोर्न में, और इंस्टाग्राम के ऊपर ना रेगुलर अपडेट डाल रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में मेलबोर्न में, तब तक के लिए रब रखा। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.